हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके साथ नवीन सचान लेके आया हूँ आपके लिए विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। मैकबेथ एक ट्रेजरी नाटक है, दुखांत नाटक है, जिसमें राज हत्या और उसके बाद की घटनाओं पर आधारित एक नाटक है ये। इस नाटक के प्रमुख पात्र जो हैं, मेन करेक्टर्स हैं, डंकन। डंकन का बेटा है मैलकम एंड डोनल बैन। ठीक है, तो मैलकम जो है डंकन का बड़ा पुत्र है, डोनल बैन जो है डंकन का छोटा पुत्र है। मैकबेथ कमांडर ऑफ किंग्स डंकन आर्मी, जो मैकबेथ था डंकन की आर्मी में कमांडर था। सेना का सेनापति, जो पहले ग्लेमिस का थेन, उसके बाद में कार्डोर का थेन, और उसके बाद स्कॉटलैंड का राजा बना। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ वाइफ, मैकबेथ की वाइफ थी एंड लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, बाद में स्कॉटलैंड की महारानी बनी। इसके बाद बैंको, फ्रेंड ऑफ मैकबेथ एंड अ कमांडर इन द अदर कमांडर इन किंग्स डंकन आर्मी, डंकन की सेना में दूसरा सेनापति था। इसके बाद है फ्लेंस, ए सन ऑफ बैंको का था, बैंको का बेटा, मैकडफ थेन ऑफ फाइव, फाइव का थेन था, लेडी मैकडफ, मैकडफ की वाइफ, मैकडफ सन्स, मैकडफ का पुत्र। इसके बाद रॉस, लेनोक्स, एंगस, मेंटीथ, कैथनेस, स्कॉटिश थेन थे ये सब। सिवॉर्ड, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, नॉर्थम्बरलैंड का अर्ल, अंग्रेजी सेना का सेनापति। यंग सेवार्ड, सेवार्ड का पुत्र। सेटन है, सेटर्न है मैकबेथ का नौकर और उसका परिचर। हैक्टी, जादू टोने की देवी, गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट। थ्री विचेस, तीन चुड़ैलें थी, मैकडफ एंड द प्रेडिसीजर ऑफ बैंकोस डिस्केंडेंट्स, मैकबेथ तथा बैंको के वंशजों के राजा होने की भविष्यवाणी करती हैं। ठीक है, इसके बाद पॉर्टर, द गेट कीपर ऑफ मैकबेथ हाउस, मैकबेथ के हाउस का गेट कीपर था। स्कॉटिक डॉक्टर था, एलाइट वोमैन थी, ये दो करेक्टर और थे, लेडी मैकबेथ डॉक्टर्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आते हैं सीधे कहानी पर। तो सबसे पहले एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैकबेथ नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, जितने भी एक्ट हैं हमारे उन सभी एक्टों को स्टार्ट उस सभी एक्ट की स्टार्टिंग कहाँ कहाँ से हुई उसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। इससे एक एक क्वेश्चन तो 100% आपको आना ही आना है। जो फर्स्ट एक्ट था, जो फर्स्ट एक्ट था, उस एक्ट की जो शुरुआत होती है, सीन फर्स्ट एज द थ्री विचेस, इसकी जो शुरुआत होती है, थ्री विचेस प्लान टू मीट मैकबेथ ऑन अ स्कॉटिक मोर, स्कॉटिश मोर, ये फर्स्ट एक्ट की शुरुआत है। कहाँ से हुई है? थ्री विचेस से हुई है, जो प्लान करती हैं, मिलने की योजना बनाती है स्कॉटिश मोर से और मैकबेथ से। सेकेंड एक्ट, सेकेंड एक्ट पे आते हैं, तो मैकबेथ सीज अ विजन ऑफ अ फ्लोटिंग डैगर कवर्ड इन ब्लड। मैकबेथ सपने में देखता है कि एक विजन, सपने दृश्य देखता है कि फ्लोटिंग डैगर, एक खूनी खंजर उसके कवर्ड में है, ब्लड से सना हुआ है। थर्ड एक्ट में क्या है? इवेंट्स अकर इन थर्ड एक्ट, एक्ट थर्ड, दैट मेक द ट्रेजिक एंडिंग, वहाँ एंडिंग होती है। उसके बाद में एक्ट फोर में क्या है? इन एक्ट फोर इंक्लूडेड एक्शंस दैट लीड डायरेक्टली टू मैकबेथ डाउनफॉल। यहाँ मैकबेथ की, पहले क्या था, मैकबेथ प्रॉस्परस थी, मैकबेथ उन्नत के शिखर पे पहुंचा था, फिर वहां से कैसे नीचे आता है उसके बारे में बताया जाता है। क्योंकि मैकबेथ, जो मैकबेथ था, मैकडफ की पूरी फैमिली का उसने मर्डर कर दिया था राजा बनने के चक्कर में। इसके बाद क्या है, एक्ट फाइव में जो लास्ट एक्ट है, इन इज द प्लेस कंक्लूजन द ट्रेजिडी ऑफ अ कंक्लूजन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पीपल डाइंग, बहुत सारे लोग मरते हैं। लेडी मैकबेथ है, इनिशियली द मोर एम्बिशंस ऑफ द टू इज ऑब्जर्व, है ना, तो स्लीप वॉकिंग की रात में स्लीप वॉकिंग करती है, इन एन अटेम्प्ट टू वॉश द ब्लड फ्रॉम हर मर्डर्ड हैंड सी डाइज। वह उसमें देखती है कि मतलब वह उस सपने में, रात में सपने में नींद में उसको चलने की बीमारी होती है, और देखती है कि वो बड़बड़ाती रहती है कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, ये सभी सारे इस मतलब ये लास्ट एक्ट जो है वो यहाँ से फिनिश होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, आते हैं कहानी पे सीधे। तो यह कहानी तीन चुड़ैलों से स्टार्ट होती है, मैंने आपको पहले बताया है। जब मैकबेथ और बैंको स्कॉटलैंड के जो राजा के सेनापति थे, ये एक युद्ध से वापस आ रहे होते हैं,
युद्ध जीत को वापस आ रहे होते हैं। तो रास्ते में ही जब होते हैं तो ये तीन चुड़ैलें जो होती हैं ये इनसे मिलने का योजना बना रही होती हैं कि किस तरह से हमें इनसे मिलना है, और ये तीन चुड़ैलें प्रकट होती हैं। तो अब कहानी देखते हैं दोस्तों, ये कहानी स्कॉटलैंड की एक राजा की है जिसका नाम डंकन था, उसका एक वजीर सेनापति था जिसका नाम मैकबेथ था, जो बहुत ही वीर और साहसी व्यक्ति था, जो मृत्यु से कभी नहीं डरता था। उसने बहुत सारे युद्धों को जीता था। इसका जो राजा था उसने मैकबेथ को ग्लेमिस शहर का थेन संरक्षक, थेन का मतलब होता है संरक्षक या राज्यपाल, बना दिया था। तभी राजा डंकन को पता चला कि नार्वे और आयरलैंड की संयुक्त सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। कहाँ की? नार्वे और आयरलैंड की संयुक्त सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? स्कॉटलैंड के राजा के ऊपर। तो राजा डंकन ने मैकबेथ और बैंको को युद्ध पर जाने का आदेश दिया, क्योंकि राजा डंकन जानता था कि मैकबेथ बहुत ही बहादुर है जो मृत्यु से नहीं डरता, यहाँ तक कि यमराज को भी वो हरा दे, ऐसा व्यक्ति था। तो मैकबेथ और सामने वाली जो सेना, नार्वे और आयरलैंड की जो सेना थी वो बहुत ही विशाल सेना थी, तो मतलब इस युद्ध को जीतना मैकबेथ के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था। वो लोग समझ रहे थे, स्कॉटलैंड का जो राजा डंकन था वो ये सोच रहा था कि इस युद्ध में मैकबेथ मारा जाएगा, मतलब वह इस युद्ध को नहीं जीत सकता, ऐसा इम्पॉसिबल था। मैकबेथ और बैंको युद्ध पर जाते हैं, यह युद्ध जीतना बहुत ही असंभव था क्योंकि सामने वाले देश नार्वे और आयरलैंड की सेनाएं बहुत ही विशाल थी। पर मैकबेथ बहुत ही बहादुरी से लड़ा और उसने लड़के क्या किया, लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंच गए। विपक्षी सेना का जो राजा था उसका सिर धड़ से काट दिया। जब सिर काट दिया तो जो विपक्षी सेना होती है वो, जब राजा मर जाता है तो उसकी सेना भी डर जाती है, तो यही हुआ उसके साथ भी। उसकी सेना डरकर भाग गई और मैकबेथ ने यह युद्ध जीत लिया और सिर काट के कहाँ गया, किले पे टांग दिया। जब वह वहां से रास्ते से लौट रहा था, जब उस समय जब वो लौट रहे थे तो आसमान में काले बादल और बिजली की गर्जना हो रही थी। मैकबेथ और बैंको आपस में बात कर रहे थे, करते करते हुए आ रहे थे कि ऐसा बुरा मौसम मैंने कभी नहीं देखा। उस बिजली की कड़कन की रोशनी में मैकबेथ को तीन चुड़ैलें दिखाई देती हैं, जो मैकबेथ को बधाई देने के साथ उसकी भविष्यवाणी करने का इंतजार कर रही थी। इससे पहले बैंको ने कुछ कहता, वो मैकबेथ को, पहली चुड़ैल ने मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लेमिस कहकर बुलाती है, दूसरी चुड़ैल उसे थेन ऑफ कॉर्डोर कहकर बुलाती है, और तीसरी चुड़ैल उसे स्कॉटलैंड का राजा कहकर बुलाती है। यह सुन के मैकबेथ बहुत चक्का रह जाता है, और जो इसका दोस्त था बैंको वो भी उसे कुछ कहने जा रहा होता। तो कुछ कहने जाने से पहले ही मैकबेथ यह सुनकर मौन हो जाता है, इसलिए बैंको को उसे उसे फिर से चुनौती देता है। चुड़ैलें बैंको को बताती, बैंको कुछ कहने जा रहा होता उससे पहले चुड़ैलें उसको बताती कि तुम कभी राजा नहीं बनोगे लेकिन कई राजाओं को जन्म दोगे। यह बात सुनकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे तीनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। अगले दृश्य में घायल सार्जेंट, अब यहाँ पे स्कॉटलैंड का ये सेना, एक सेना सैनिक है, घायल सार्जेंट स्कॉटलैंड के राजा डंकन को यह सूचना देता है कि उसके सेनापति मैकबेथ ने यह युद्ध जीत लिया है। तो सभी मैकबेथ की प्रशंसा की और बहादुरी की तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा और कौशल की तारीफ करते हैं। अगले दृश्य में क्या होता है, राजा का दूत रॉस वहां आता है और मैकबेथ को दी गई उपाधि थेन ऑफ कॉर्डोर के बारे में उसको बताता है। तो इस तरह से जो पहली चुड़ैल थी उसकी पहली भविष्यवाणी सही हो जाती है। इसके बाद मैकबेथ ने क्या, जब भविष्यवाणी सही हो जाती है तो क्या करता है मैकबेथ, जब वहां से आता है तो अपनी पत्नी को ये सारी चीजें बताता है कि हमें तीन चुड़ैलें मिली थी और ये ऐसा ऐसा है, उसने हमें ऐसे भविष्यवाणी दी है और मेरी पहली उसकी पहली भविष्यवाणी है वो तो सही हो गई। तो उसकी पत्नी भी महत्वाकांक्षी होती है, उसके मन में लालच आ जाता है रानी बनने का। तो इसके बाद मैकबेथ को उसके सैनिक बताने आते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है, तो वह राजा डंकन से मिलने आता है। राजा डंकन उसे गले लगा लेता है, बहुत प्यार करता है, और उसकी पत्नी पहले ही मैकबेथ के साथ मिलकर एक प्लान बना लेती कि राजा डंकन को अपने यहाँ बुला लो और उसकी तो हत्या कर दो। लेकिन राजा जो मैकबेथ था वो चाहता था कि उसे, वह हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उसने उसकी हत्या करने का प्लान बना लिया क्योंकि वह राजा की हत्या करना नहीं चाहता था। अब आगे देखते हैं, पत्नी को बताता है, उसकी पत्नी राजा की हत्या करने का प्लान बनाती है और उसके लिए एक उसे सुनहरा अवसर भी मिलता है। जब बैंको और मैकबेथ आपस में बात करते हैं कि तीन की चुड़ैल की बातों की हमें उनकी बात चुड़ैलों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो हम अपना आजकल के चक्कर में, मतलब ये बैंको वहाँ बोलता है जब चुड़ैलें उसे ऐसा कहती हैं मैकबेथ से, तब जब मैकबेथ राजा को अपने महल में खाने का, अब मैकबेथ को एक मौका देता है राजा, क्योंकि मैकबेथ से बहुत खुश होता है। तो मैकबेथ राजा को बोलता है कि हम आप मेरे यहाँ खाने पर आइए, आपका निमंत्रण है। तो राजा उसकी बात को स्वीकार कर लेता है और मैकबेथ के महल में खाने के लिए जाता है। उसी रात मैकबेथ राजा की हत्या कर देता है
पर वह इस हत्या से खुश नहीं होता है क्योंकि उसका मन नहीं था उसकी हत्या करने का। वह इतना घबरा जाता है कि अपने खंजरों को भी नहीं छुपा पाता है। तो अपनी पत्नी के उकसाने पर वह राजा की हत्या तो कर देता है। खूनी खंजर को जो राजा के सिपाही होते हैं ना सुरक्षा के लिए, उन सेवकों के पास सुरक्षित रख देता है, छिपा के रख देता है और हत्या का आरोप सेवकों के ऊपर लगा देते हैं। अगली सुबह सवेरे स्कॉटलैंड के रईस लेनोक्स और फाइव, ये याद रखना दोस्तों, स्कॉटलैंड के रईस हैं लेनोक्स और फाइव का वफादार सरदार मैकडफ वहाँ पहुँचता है। फाइव क्योंकि थेन ऑफ फाइव का था ना, मैकडफ, मैकडफ वहाँ पहुँचता है। एक दरवाजा खोल जैसे ही वह वहाँ जाता है, दरवाजा खोलता है और मैकडफ उसे राजा की महल की तरह कच्च की ओर ले जाता है, जहाँ मैकडफ को डंकन की लाश का पता चलता है। इससे पहले कि रक्षक अपनी बेगुनाही में कुछ बोल पाते, तो मैकबेथ बनावटी क्रोध दिखाकर उसकी हत्या कर देता है। अब मैकबेथ ने राजा डंकन की हत्या इसलिए और कर दी थी क्योंकि राजा जब मैकबेथ के घर रात के खाने पे आ रहा था तो उससे पहले राजा डंकन ने घोषणा की थी क्यों की थी एक इसलिए और उसने घोषणा हत्या कर दी थी क्योंकि घोषणा कर दी थी राजा ने कि उसका बड़ा बेटा मैलकम जो कम्बरलैंड का युवराज बनाता है और जल्दी ही वह मेरे सिंहासन पर बैठेगा। इस बात से मैकबेथ जो था वो बहुत घबरा गया और जल्दी राजा को मारने का प्लान अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनाया क्योंकि उसी की पत्नी जादू टोने में विश्वास करती थी और जल्दी वह महारानी बनना चाहती थी। जब मैकबेथ बनावटी क्रोध दिखा रहा था तब मैकडब को उस पर संदेह हो गया, मैकडब जो फाइव का थेन था, पर वह कुछ कहता नहीं है और मैकबेथ कुछ दरबारियों के साथ मिलकर अपने आप को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर देता है। अब राजा मैकबेथ ने राजा बनने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी होती है, तभी बैंको आता है और मैकबेथ से कहता है कि उन चुड़ैलों की भविष्यवाणी अगर तुम्हारे लिए साबित हो सही सही साबित हो सकती है तो फिर मेरे लिए भी सही साबित हो सकती है। अब जैसे ही मैकबेथ ने यह सुना तो वह समझ गया, वो सोचा कि अरे यार जब चुड़ैले मेरे लिए सही भविष्यवाणी कर सकती हैं तो बैंको के लिए भी उसने सही ही कहा है। तो उसके मन में बैंको को मारने के लिए उसकी जब उसने पत्नी को उसकी पत्नी भी थी जब अपनी पत्नी उसकी सुनती तो वो बैंको को भी मारने का प्लान कर देती है कि यार बैंको को भी और उसके पुत्रों को भी मार दिया जाए, नहीं तो ये बैंको की भविष्यवाणी सही हो जाएगी और मेरे पुत्र सिंहासन पे नहीं बैठ पाएंगे, बैंको के पुत्र सिंहासन पे बैठेंगे। बैंको और उसके बेटे को मरवाने का प्लान बना लेता है और उसके पीछे दो हत्यारों को लगा देता है और रास्ते में जाकर हत्यारे बैंको को मार देते हैं, लेकिन उसका बेटा बच जाता है। बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए लेडी मैकबेथ मैकबेथ को उकसाती है, ये तो हमने आपको बताया। अब मैकबेथ की आत्मा एक बहुत ही ज्यादा तड़फ रही थी क्योंकि वह जैसे ही सिंगा मैकबेथ की आत्मा बहुत ज्यादा तड़फ रही थी क्योंकि उसने अपने दोस्त बैंको को भी मार दिया था और उसके मन में ग्लानि भी भरी हुई थी। अब वह राजा बनने की खुशी में जब पार्टी कर रहा होता है तो वह जैसे ही सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता है तो उसे बैंको की आत्मा दिख जाती है। किसकी आत्मा? बैंको की आत्मा दिख जाती है। इस प्रकार मैकबेथ की आत्मा बहुत अधिक परेशान हो गई, वह बड़बड़ाने लगता है, अपने आप में बड़बड़ाने, देखो देखो वो बैठ रहा है, वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है, बैंको यहाँ बैठा है। तो लेडी मैकबेथ जो होती है वो बोलती है कि अरे अब इसकी तब अब इनकी तबीयत खराब हो गई, हम इनको अंदर लिए जा रहे हैं, पार्टी को वहीं समाप्त कर देता। अब लेडी मैकबेथ को रात में नींद में चलने की आदत थी, नींद में चलने की बीमारी थी, वह एक रात को नींद में बोलती रहती है, बड़बड़ाती रहती है। एक बात, उसकी जो सेविका है और डॉक्टर, क्योंकि जो लेडी मैकबेथ थी उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, बीमार होते वो भी एकदम पागलों की तरह बड़बड़ाने लगती है, तो उसकी सेवा के लिए डॉक्टर रखा जाता है। तो वह उठ के रात में नींद में चलने लगती है और बड़बड़ाने लगती है कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, मेरे हाथों से खून टपक रहा है, राजा डंकन के शरीर में कितना खून था, अपने हाथों को रगड़े जा रही थी और कहे जा रही थी अरब के इत्र से, मतलब ऐसा कह रही थी कि बैंकों का खून भी, बैंकों के खून से मेरे हाथ सने, राजा डंकन के हाथ से। जो जो डॉक्टर और सेवका थी उसने इन बातों को सुन लिया। अब वो बोले जा रही थी कि मेरे मेरे हाथों से खून के धब्बों की बदबू नहीं जाएगी, मतलब अरब के इत्र की खुशबू से भी मेरे हाथों से खून की बदबू नहीं जाएगी, और बैंकों को कत्ल के बाद दफना दिया गया। लेडी मैकबेथ की हालत ख़राब हो गई थी और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इस तरह से वो बड़बड़ाने लगती है तो ये बात बाहर जब लोगों को पता चलती है तो लोग मैकबेथ के विरुद्ध हो जाते हैं और उधर क्या होता है, लेडी मैकबेथ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेडी मैकबेथ की मृत्यु के बाद मैकबेथ भी टूट जाता है और जब जनता उसके विरुद्ध हो जाती है तो अपना राज्य छोड़कर वह जंगल में एक किले में छिप जाता है, लेकिन उसके शत्रु उसे ढूंढ लेते हैं और मैकडब उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तो इससे पहले मैं बता दूं
मैकबेथ की भविष्यवाणी हुई थी कि मैकबेथ को कोई जन्मा व्यक्ति, मतलब जो माँ के गर्भ से जन्मा है, वो उसे नहीं मार सकता है मैकबेथ को। तो मैकबेथ सोचता था मैं तो अमर हूँ, मुझे तो कोई माँ के पेट से जन्मा व्यक्ति तो मार ही नहीं सकता है। लेकिन जब वह जंगल में छिपा होता है तो नॉर्वे का जो राजकुमार होता है उसके साथ उनकी युद्ध हो रही होती है, तो वो तो उसको तो मैकबेथ मार देता है। लेकिन जो मैकडफ होता है वो कहता है कि मैं माँ के पेट से नहीं जन्मा हूँ, मैं समय से पहले ही, मतलब माँ के पेट में चीरा लगा के मुझे बाहर निकाला गया, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इस प्रकार जो मैकबेथ की भविष्यवाणी थी कि उसकी मृत्यु जब होगी वह जंगल में, वह जनता उसके खिलाफ, जंगल भी उसके खिलाफ होगा, मतलब एक भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ जब तुम्हारी डेथ होगी तो उस समय जंगल भी तुम्हारे खिलाफ होगा। तो सही बात थी, जब मैकबेथ की डेथ हुई थी तो वो जंगल में छिपा हुआ था, और जो मैकडफ था उसके जो सैनिक थे वो सर के ऊपर पेड़, मतलब ऐसे छिप के आए थे पेड़ों में, जैसे आर्मी वाले होते हैं ना सर में घास फूस लगा लेते हैं, ऐसे ही वो लोग भी घास फूस लगाए थे। तो मैकबेथ के सैनिक ये जान ही नहीं पाए, मैकबेथ भी देखता था कि जंगल में आ कोई तो दिखाई नहीं देता, तो उसे ऐसा लग रहा था जंगल चल रहा है। तो ये भविष्यवाणी सही हो गई कि जंगल भी उसके खिलाफ था, और मैकडफ मैकबेथ को गला काट देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये नाटक समाप्त होता है। और लेकिन इससे पहले हम थोड़ी एक चीज़ आपको बता दें कि मैकबेथ की लड़ाई सिवार्ड से होती है, और सिवार्ड मारा जाता है, सिवार्ड वही था आयरलैंड और नॉर्वे वाला, सिवार्ड मारा जाता है। इसके बाद मैकबेथ अहंकार से कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसे आशीर्वाद है कि माँ के गर्भ से पैदा हुआ इंसान उसे नहीं मार सकता। लेकिन तभी मैकडब प्रवेश करता है और कहता है कि मैं माँ की कोख से नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे पेट में चीरा लगा के निकाला गया था, इसलिए मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और मैकडब जो है मैकबेथ का सिर धड़ से अलग कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से ये नाटक समाप्त होता है। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।